इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। निगम द्वारा पालदा क्षेत्र में जल स्रोत के पास से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, MIC सदस्य की शिकायत पर कार्रवाई हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में सभी जल स्रोत के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए जल स्रोत के आसपास बने अवैध निर्माण तथा कैचमेंट एरिया में किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके पालन में आज इंदौर नगर निगम ने जोन 19 के वार्ड 75 के पालदा क्षेत्र में बहने वाली कान्ह नदी में रिटेनिंग वॉल खड़ी की जा रही थी, जिसे निगम द्वारा आज तोड़ने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी निर्माण पर निगम द्वारा कॉलोनीनाइजर को नोटिस भी जारी किया गया है। वहाँ के जो रहवासी और कार्यकर्ता हैं जो ने उन्होंने बताया था कि एक जो कान्हा नदी है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो वहाँ पर मौके पर कॉलोनी सेल के अधिकारी और बिल्डिंग ऑफिसरों को बुलाकर वहाँ पे जब मौका मुआयना करा तो वहाँ पर नदी के अंदर ही बाउंड्री वाल हो रहा था। चूँकि कुछ नियम होते हैं उसको छोड़ के आप काम कर सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन वहाँ किया नहीं जा रहा था, तो वही मौके पे मुआयना करने के बाद जब उसको गलत पाया गया तो उसका एक नोटिस जारी करके विधिवत रूप से जो जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई है। देखिए ये जो अभी आप देखेंगे कि हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी इस प्रकार से बोला कि नदी नालों की सफाई होना चाहिए, आसपास के जो अतिक्रमण है, और महापौर जी पुष्पित भार्गव जी ने भी वही, तो जिस प्रकार से नगर निगम नदी नालों पे जो अतिक्रमण हो रहा है उनको ध्यान में रख रही है, क्योंकि आप देखेंगे बारिश का समय रहेगा, काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है, आसपास रहते हैं, पानी आता है तेज़ी से तो किस प्रकार से नुकसान होता है, तो उसकी दृष्टि से जो लोग और उस प्रकार से कॉलोनी काट कर अवैध अतिक्रमण करके उसको करना भी तो गलत ही है ना, तो इसके द्वारा अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब मौके पर गए तो वहाँ पता लगा जिसका भी अतिक्रमण है जिनने करा वो उस पर नगर निगम कार्रवाई करी।